ओके जी, अभी जो है ना वो टिश्यू निमाटोड में ड्रेंकुलस मेटनेसिस के ऊपर आ जाते हैं। तो ये क्या है बेसिकली, हमारे पास टिश्यू निमाटोड था, इसका दूसरा नाम मैंने बताया था जी ग्वेन फायर वर, मतलब आग की तरह जो है। और ये क्या कर रहा था, लोअर लिम्ब के ऊपर जो है ना वो हमारे पास अल्सर करवा रहा था। जल्दी से बता रहा हूँ, मेरे पास यार टाइम बहुत कम है, इस वजह से लास्ट वीडियो है पैरासाइटोलॉजी, इस वजह से सॉरी फॉर दैट। जिसको ज़्यादा तेज़ लग रही है वीडियो की स्पीड कम कर ले सेटिंग में जाके, आपके वीडियो के अंदर ऑप्शन होता है। अच्छा, ये क्या करता है, हमारे पास लोअर लिम्ब का जो होता है ना पाँव के अंदर जो है ना वो छोटा सा अल्सर होता है, वहाँ से ये यूँ करके निकल रहा होता है। ठीक है, ये अब आपका पाँव है ना तो यहाँ से यूँ करके निकलता है, मैंने ऑलरेडी पिछली में बताया। अच्छा, अल्सर में क्या होता है, सवेयरली जो होता है ना वो इन्फ्लामेशन हो जाती है। ठीक है, और वहाँ से जो होता है ना वो वर्म जो होता है ना आप कह दें कि कम्स आउट हो जाता है। अब अगर खींचा तानी नहीं करनी, छोटी सी लकड़ी से आपने बता देना सर ये हम जो है ना वो पीस ऑफ जो होता है ना वो किसी भी लकड़ी की जो है ना वो छोटा टुकड़ा लें, अगर ऐसा हमने तोड़ दिया अंदर ही, तो इसकी वजह से एक जो है ना वो एनाफाइलेक्टिक शॉक। ठीक है, मतलब आग की वजह से आग को देख के जो है ना वो शॉक हो जाता था। मैंने यहाँ ज़्यादा देखा था, पूरे इतना बड़ा क्लिनिकल सिनेरियो में आपको एनाफाइलेक्टिक शॉक नज़र आ गया और ड्रेंकुलस मेडिनेसिस एमसीक्यू के नीचे आ रहा है। ठीक है, तो आपने चुप करके आंखें बंद करके ना जो एनाफाइलेक्टिक शॉक को देख के ड्रेंकुलर मेडिनेसिस के ऊपर आ जाना है। छोटा सा क्लिनिकल ये आपको टिप दे रहा हूँ, आपने सिंपल ये मेरी बातें याद कर लेनी। अच्छा, जो बेसिकली ये होता है कि ये जो मछेरे लोग होते हैं ना, ठीक है, ये जो पानी के अंदर ज़्यादातर रहते हैं, ठीक है, उनके अंदर ये जो है ना वो ड्रेंकुलस मेडिनेसिस देखने को मिला था, क्योंकि उनकी टांगों के ऊपर जख्म हो गया तो वहाँ से जो होगा। लाइफ साइकिल मैं यहीं पर डिस्कस कर देता हूँ, 2 मिनट सिर्फ मुझे ये रेज करने दें। ठीक है, अगर मैं ड्रेंकुलस मेडिनेसिस का लाइफ साइकिल अगर मैं करूँ ना, ये डस्टर की हालत देख रहे हैं, सारी पैरासाइटोलॉजी की वजह से देखे हुई। एनीवेज, अच्छा, ड्रिंकिंग कॉन्टामिनेटेड वाटर। ठीक है यार, उसने जो है ना वो ड्रिंक किया कॉन्टामिनेटेड वाटर प्लस फूड का, तो वहाँ से क्या होगा, इसके जो है ना वो क्रस्टेशियंस मतलब ओशन में रहने वाले जो भी चीज़ें हैं ना वहाँ से याद कर लें, जिसको हम कहते हैं कॉपोर्स, वो क्या करेंगे, उनके अंदर क्या होता है लार्वा कंटेनिंग लार्वे, वो क्या करेंगे रिलीज इन दी वाटर। मैंने कहा ना मच्छरों के अंदर होता है, तो वो मच्छेरे जब ऐसा पानी पीते हैं उनके अंदर क्रस्टेशियन के अंदर, फिर वो लार्वे होते हैं, वो क्या करते हैं वो पानी में जो होता है ना वो रिलीज इन वाटर पानी के अंदर आ गया। अब वो ड्रिंकिंग की है, फिर किसी और मच्छेरे ने वहीं पांटे थे, तो वो इंटेस्टाइनल टिश्यू के अंदर चला गया। अब इंटेस्टाइनल टिश्यू से जनाब उसने क्या करना है, अल्सर करवाना, मैंने ये ऑलरेडी बता दिया था। ठीक है, क्योंकि फायर की तरह आग लगा देता है, इसने क्या करना था एनाफाइलेक्टिक शॉक करना था। तो इंटेस्टाइनल टिश्यू से ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लोअर लिम्ब के अंदर, तो लोअर लिम्ब के अंदर जाके ये कराएगा अल्सरेशन प्लस इन्फ्लामेशन, ये दो काम इसने करवा देने, अल्सरेशन और इन्फ्लामेशन करवा देनी है। फिर क्या होगा, पर्सन जो होता है ना वो जो अल्सरेटेड बंदा है ना वो अपने नंगे पाँव, जो मछेरा है ठीक है, वो नंगे पाँव लेके अब पानी के अंदर जाएगा, जो ही वो पानी के अंदर उतरेगा अपना पाँव नीचे गुजारेगा तो ये वहाँ से ना गिर जाएगा ये पानी के अंदर, तो वो पानी को कंटामिनेट कर देगा और यूँ ये लाइफ साइकिल चलेगा। सिंपल वर्ड में ह्यूमन इन्फेक्ट होता है, उसने फिर किसी इंसान ने वही पानी पिया, मछेरे अमूमन वहीं से पानी उठा उठा के पी लेते हैं ना। ठीक है, तो आपने कहना कि वो ह्यूमन जो था इन्फेक्ट हुआ था, उसने क्या किया कि पानी पिया कंटामिनेटेड था, जिसके अंदर क्रस्टेशियन थे कॉपोर्स थे, कॉपोर्स के अंदर आपने बताया लार्वा होता है, लार्वा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर रिलीज़ होता है, फिर वो माइग्रेट करता है बॉडी के अंदर और फिर वो अडल्ट वर्म के अंदर। अब अडल्ट वर्म से आपने फिर यहाँ पे एक टांग बना देंगे ना तो बहुत अच्छा होगा, एग्जामिनर की जो है ना वो आँख ब्लिंक करेगी आपको नंबर देने के लिए। वहाँ से आपने टांग बना के एक लार्वा छोटा सा निकाल देना, लेग शोइंग अल्सर फ्रॉम वियर वर्म हैंग आउट। ठीक है, हैंगिंग वर्म की आपने दिखानी ज़रूरी है, तो वो आप दिखा देंगे तो वो आपने बताया मीटर लॉन्ग जो होता है ना ये होता है, फिर ये क्या करवाता है, ये अल्सरेशन करवाता है, अल्सरेशन के बाद वो पानी के अंदर जब बंदा जाता है दोबारा, तो वो कोपोड जो होता है ना वहाँ पे ईट करते हैं उस लार्वे को और वो दोबारा जो है ना ह्यूमन के अंदर इन्फेक्ट हो जाता है। अब क्या करते हैं, काज करते हैं, एक तो अल्सरेशन, ये इसके क्या हमने देखा है अल्सरेशन का, इन्फ्लामेशन का कहाँ पे, लोअर लिम्ब के अंदर। ठीक है, ये बात आपने नहीं बोली, लोअर लिम्ब के अंदर क्लिनिकल फाइंडिंग में क्या आता है, आप कहेंगे कि वर्म इन दी स्किन अल्सर, जो भी अल्सर होगा आपके अंदर इसको ना स्पेशल जो है ना वो वर्म आपको वहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगा, बस इतनी सी बात करनी। और इसके अलावा इसका जो स्प्रेड है थोड़ा सा वो देख लेंगे, तो फीमेल लार्वा जो होता है ना ये मोस्टली जो होता है ना वो करवाती है अल्सर। ठीक है, मीटर लॉन्ग होती है जो कि स्किन अल्सर, मतलब फीमेल के सारे पुट्ठे काम है,
सही है, इसने क्या करवाना है, अल्सर, सॉरी फॉर फीमेल जो भी देख रही है मेरी वीडियो, हमारी जो है ना वो मैम बहुत इसके जो है ना वो हक में थी, बॉयज़ के हक में, वो कहती है फीमेल जितने भी दुनिया में फसाद हो रहे हैं फीमेल होती हैं, जन जर जमीन है, मतलब जन जो है ना वो हर जगह ही आई हुई होती है, ठीक है, सास हो बहू हो जो भी हो, लड़ाई जहाँ भी घर में होती है वहाँ पीछे ना पीछे औरत का ही हाथ होता है। तो ये मोटी मोटी मैंने बातें बता दी हैं, ठीक है, तो सॉरी फॉर दी फेमिनिस्ट अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे, जस्ट यार ये जोक वगैरह होता है, बाकी इसे सीरियस ना लिया करें मेरी बातों को। अच्छा, लोवा लोवा के बारे में थोड़ा सा मैंने बताना है, उसके बाद जो है ना वो लोवा लोवा इसके बारे में क्या आपने बताना है कि ये ये भी मैंने देखा था टिश्यू निमाटोड, जिसे अभी नहीं याद वो टेबल, वो दोबारा देखे टेबल टिश्यू निमाटोड था, मैंने कहा था कि ये रेटिना के अंदर आपको स्विम करता हुआ मिलेगा, ठीक है, इसका दूसरा नाम हमने रखना है डेयर फ्लाई भी कहते हैं, प्यारी सी जो है ना लव हो गया जिसके साथ, ठीक है, ये इसको मैंने कहा था आम जिसको ज़्यादा पसंद है तो लव करते हैं मैंगो के साथ है, तो मैंगो फ्लाई भी इसको कहते हैं, ठीक है, ये बातें जो आपको याद रखनी। इसके अलावा हमारे पास एक है, एक इंपॉर्टेंट है जिसके हम कहते हैं ट्रैकी नीला स्पाइरेलिस, ठीक है, इसके बारे में इम्पोर्टेंट बात आपने ये याद रखनी है कि ये पिग मीट के अंदर होता है, ठीक है, इस वजह से अल्लाह पाक ने हराम किया हुआ है क्योंकि ये बीमारियों का बहुत ज़्यादा बायस है। अब ये क्या होता है, पिग मीट होता है, इसके अंदर क्या होता है, लार्वे का रोल होता है, वो क्या करता है पिग के जो स्केलेटल मसल है ना, ठीक है, उनके अंदर जाके ये अपनी जो है ना घर बना लेता है। तो आप कह सकते हैं यूँ आपने एक स्केलेटल मसल भी बना के आना पेपर के अंदर, ठीक है, और उसके अंदर जो है ना वो आपने एक ये यूँ करके जो है ना नर्स सेल बना देना, ठीक है, बाकी सारे का सारे स्केलेटल मसल दरमियान में एक आपने नर्स सेल बना देना, जिसके अंदर आपने बताना है कि लार्वा ऑफ दी ट्रैकिनीला स्पाइरेलिस जो होता है ना वो स्केलेटल मसल ऑफ दी पिग के अंदर होता है। ये जो स्टीक्स वगैरह अंग्रेज खाते हैं ना गंदे गंदे, ठीक है, वो अनकुकड स्टीक होती हैं, अगर कुक भी हो फिर भी ये रह जाता है कहीं ना कहीं, तो ये फिर जाके इन्फेक्शन इसने अपना सारा सारा करवा देना है। नेक्स्ट मैंने एक बताया था स्ट्रोंगिलाइड्स जो होते हैं ना उसके बारे में, जो भी वो भी जो होता है ना वो टिश्यू निमेटोड था, स्ट्रोंगिलाइड्स जो है ना वो हमारे पास क्या थे, स्किन के जरिए एस से स्ट्रोंगिलाइड्स से इस ये क्या कहते हैं स्किन के जरिए इन्फेक्शन करते हैं, ठीक है, ट्रांसमिट होते हैं, सॉरी फॉर दैट, मैं जल्दी में ज़रा अब्रीवेशन कर, अच्छा ये इसके लिए फिर हम स्टूल एग्जामिनेशन करते हैं, स्कैरस और हुकवम आपको फिंगर टिप्स पे आना चाहिए, बाकी ये सारे के सारे आपको छोटी छोटी बातें आनी। होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि पैरासाइटोलॉजी को जितना मुझे आता था, जितना हमारे टीचर्स ने हमें एक्सप्लेन किया था, जितना मुझे याद था अभी तक, मैंने वो सारे के सारे आपके साथ एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी यार अगर किसी को मसला हो ना या मुझसे कोई गलती हो, तो गलती आदम अलैहिस्सलाम से भी हो गई थी, ठीक है, तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन आपका ओपन है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है चैनल के अबाउट सेक्शन में, तो उसके अंदर आके बता दें मुझे सर यहाँ नहीं यहाँ, तो मैं इंशाल्लाह उसी को करेक्ट कर लूँगा। हो सकता है मुझसे भी गलती हो सकती है, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन मैक्सिमम मैं कोशिश करता हूँ अथेंटिक वेज यूज़ करता हूँ कि मुझसे कोई गलती ना हो। बाकी बताइएगा वीडियो पैरासाइटोलॉजी कुछ समझ आई है कि नहीं आई, और जब आप एग्ज़ाम में अंदर बैठेंगे ना आप अपने सेंड अप प्रॉप या फिर जो भी क्लास टेस्ट होगा उसके बाद फिर मुझे कमेंट दीजिएगा कि कैसे ही आपको वीडियोस लगी, आपका क्या हेल्पफुल हुआ, क्या मुझे चेंजेस करनी चाहिए। व्हाइट बोर्ड के बारे में बहुत लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, मुझे खुशी हुई कि मैंने ये अच्छा फैसला किया, लेकिन फिर भी अगर किसी को मसला है तो वो मुझे बता सकता है कि पेज अच्छा है या व्हाइट बोर्ड अच्छा है। देखिए अभी यहाँ पे मेरा एक ऑलमोस्ट रजिस्टर लग जाना था पैरासाइटोलॉजी के ऊपर, जो कि रजिस्टर अगर कह रहा है 30-40 पेजेस का, लेकिन मैंने एक व्हाइट बोर्ड के ऊपर कवर कर, देखिए मैंने एक पूरा रजिस्टर बचाया है। तो दरख्त काटने से पेज बनते हैं ना, तो पेज जब दरख्त कटता था मुझे बड़ा दुख होता है, मैं बहुत सख्त खिलाफ़ हूँ उन लोगों के, तो इस वजह से मैंने ये व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन चूज़ किया, इसके ऊपर लिखना आसान है, जल्दी से बंदा लिख लेता है, टाइम वेस्ट भी नहीं होता। तो थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखना यार अगर हो सके तो, बाकी इंशाल्लाह अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ वायरोलॉजी की, जो काफ़ी रिक्वेस्ट है एक वायरोलॉजी की, एक इन्फ्लामेशन की, वो मैं 1-2 दिन के अंदर जो है ना वो अरेंज करके इंशाल्लाह सारे की सारी वो अपलोड कर देता हूँ। थैंक यू सो मच अगेन, अल्लाह हाफिज़।